अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग अपनी रैबिट चेक करते हैं अंगूरा रैबिट से, तो अभी इनको मैं खोलता हूं। मैंने इनको बंद किए हुए, बहुत ही शैतान होते हैं, पकड़े जाते नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं अपने दोस्तों को प्रॉपर दिखाऊंगा, तो मैं इन्हें पहले पकड़ लिया। तो मैंने इन्हें पकड़ लिया था, तो अब इसके अंदर है क्या हुआ, तुम्हारी लड़ाई चल रही है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है? अभी भी प्यारा लग रहा है, लेकिन अब जो मैं इसका मुंह करूंगा और प्यारा लग रहा है। अब बहुत ही प्यारा लगता है ये करने। वो आप भी पकड़ लाइयो, बड़े से ओपन में नहीं पकड़े जाते, ये पकड़ लाइ। यहाँ अंदर खालो, एक तो शुरू हो गया, दोनों खाने लग गए दोस्तों। अभी मैं खाने देते हैं, लेकिन ये जो तंग करने आ गया ना हमारे रैबिट को, तुम्हें मसला अपने जंगली परिंदा तो ये बहुत शैतान जी। आप चारा ये पड़ा है, ये पड़ा है मेरे पास, आ मेरे पास आ रहा चारा था मुझे कौन सा। अब आपके लिए हम दिमाग दाना डाल है, इधर आके दूध पी लेते हैं। दाना नहीं खाना। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी फैंसी मुर्गियों की तरफ, जो कुछ ही रह गई है। तुझे पता है ये फैंसी मुर्गियाँ बहुत मरती हैं, बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ये देखेंगे, ये सिल्वर सप्राइज की मुर्गी रह गई है, और ये तो हमारी बहुत ही अच्छी मुर्गी है, बहुत ही पुरानी है, हमारे पास इस साल होने वाला हो गया। और ये अंडे भी देती थी हमारे पास, देखिए कितनी प्यारी मुर्गी है। हाँ जी, दाना खा दे, जाओ भाग जाओ, दाना खा दे। ये शरीर बहुत है, ये ना किसी को तंग करती है, और ये देखना आराम से आ गया। और ये देखो, और वो देखिए छत से भाग जाती है, इसे ना कबूतर तो अब आपको मैं अपनी असील मुर्गियाँ दिखाती हूँ, जो मैं अपने मुर्गे के साथ लेके आया था। तो मेरा मुर्गा थोड़ा वीक हो गया, लेकिन मैं आपको मुर्गियाँ भी दिखाता हूँ, मुर्गियाँ बिल्कुल एक्टिव है जी। अच्छा पहले ना देखो, हाँ जी बैठी हूँ। दोस्तों मेरा मुर्गा ना कल थोड़ा वीक हो गया था, आज अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक मुझे तो लग रहा है। अभी हम इनको खोलते हैं और चेक करते हैं। पहले मैं अपनी मुर्गी खोलूँ, ये मियाँ वाली की असील मुर्गी है, इसने हमारे पास आगे अंडे भी दिए और अभी भी दे रही है अंडे, कुछ ही दिनों में प्रूफ होगी और कुछ छोटे छोटे बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे हम यहाँ छोड़ते हैं, इसका कद भी बहुत बड़ा, कमाल की मुर्गी है ये हमारे पास। ये अब किसी को मारती भी नहीं है, पहले जब मुर्गी नहीं है तो बहुत करती थी। तो उसके बाद दोस्तों दूसरी मुर्गी आती है, ये मियाँ वाली की मुर्गी है, इसमें भी हमारे पास अंडे अभी भी अंडे दे रही है, और इस तरह ये भी दूध पे आएगी, दोनों कट्टी बैठेंगी। ये वाइट वाली की वाइट से थोड़ी तो वाइट है ना, जिसका कलर वो मुर्गी से मारती हो ना पाता है हमारा मुर्गा जो काल थोड़ा सा नीचा। अच्छा भाई जी, अभी भी ठीक ही लग रहा मुझे, अभी भी ठीक नहीं लग रहा। अगर ठीक होता है ऐसे दूम खोली होती फूल फूल के चलता, अभी ठीक ही है। लेकिन खाने लग गया है, दाना डालते हैं थोड़ा सा हमें, लेकिन दाना डाले में ऐसे मारे ना, दाने का भी मार कर सकते। फिर
बहुत ऐसे लेटे हुए, तितर ऊपर से चले गए, उन्हें पड़वाई कुछ लेट गए दोनों। कोई मजे करो, नई जगह पे आयो, पहले अंदर कमरे में रहते थे, इतने शैतान होते थे, अब क्या हो गया, सोए पड़े हुए, क्या भागो, मैं बताऊँ क्या करूँ, ये जो मुर्गी है ना इसके पीछे लगो। अब आगे असील मुर्गा ना मुर्गियों के साथ अंदर कर दो और इन्हें दाना दे दो, मुझे ना मैं चिकोल ला रहा हूँ, दाना खा ले चिकोल, तो असील मारेगा। देखा मुर्गियाँ लड़ने लगी है इसकी, तो मुर्गे की तो लगती है, ये ले दो को दाना देते ही है क्या? मुझे तो नजर ही नहीं आता ऊपर कैसे आ गया, बड़ा अजीब है, नीचे तो आराम से बैठा हुआ था एकदम से ऊपर आ गया जी। तो ऊपर चढ़ गया। अच्छा चलो अब इन्हें हम दाना देते हैं। हमारा एक पिजन यहाँ पर रुक गया है, इसे पहले बिठाता हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक आज भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल गुलेल वाले को सब्सक्राइब आज भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।